मैं इतना कुछ पा रही हूँ कि मैं नहीं बयान कर सकती, और मैं ये प्रॉमिस देती हूँ कि मैं मरते दम तक ये सारी आले चुप दिल से बहुत ध्यान रखूंगी। बस बस मैं दिल से बोलती हूँ सच में। बहुत साथ दिया है, इतना तो मैं भी नहीं कर पाई, आपने साथ दिया है। आपने जो मेरी बेटी को दिया है वो मैं कोई नहीं देता। मैं भी फ्री रहती हूँ, नीचे रहती हूँ, काम रहता है, ये वो तुमने संभाला तो है, तो एक ही दोनों का एक ही बच्चा, अपने ही खुशी, अपने ही बच्चा, हम हो तुम हो कोई भी हो, इसमें क्या है, हम सब मिलके संभाल रहे हैं। बट आई एम वेरी प्राउड ऑफ शोएब, सबसे बड़ी बात शोएब, रियली आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू एंड आई एम वेरी थैंकफुल दैट यू आर लुकिंग आफ्टर मी मोर देन अ मदर। मेरे को ये सबसे ज्यादा खुशी है ना कि जितने भी इनके सारे जो आते हैं ना रिश्तेदार, वो मुझे इतना प्यार करते हैं ना, मुझे ऐसे लगता है कि सदियों से ये सब मुझे जानते हैं, और सब मुझे अपनों से नहीं इतना मिला जितना मुझे इन सब ने प्यार दिया है। और मैं ये दिल से बोल रही हूँ, कोई दिखावा नहीं कर रही हूँ, सच में मुझे बहुत प्यार मिला। जब भी ये आते हैं ना मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। सब मोहब्बत, सब खाला हो, अम्मा तो मेरी नानी को मैंने कभी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। रुहान के बर्थडे केक कटिंग के बाद सब एक साथ बैठे हैं और पूरी रुहान की एक साल की जर्नी सब याद कर रहे हैं, और यहाँ पर दीपिका के मम्मी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए हैं दीपिका को ससुराल को लेके, क्योंकि दीपिका को मम्मी से ज़्यादा दीपिका की सास यानी अम्मी ज़्यादा प्यार करते हैं, यही कह रहे हैं दीपिका के मम्मी, और बोल रहे हैं कि इसके घर वालों से मुझे जितना प्यार मिले हैं कि कभी भी मुझे इतना प्यार करने वाला नहीं मिले हैं, और स्पेशल शोएब को थैंक्स बोल रहे हैं मम्मी। तो आप सब लोग सोच ही सकते हो, जो भी नेगेटिव कमेंट करते हो इनके घर के फैमिली मेंबर्स के लिए, प्लीज़ मत किया करो। आप लोग देख सकते हो दीपिका के मम्मी कोई एक्ट्रेस नहीं है, तो उनका जो इमोशन है वो बिल्कुल रियल है। तो आप लोग देखते रहो इब्राहिम फैमिली के ब्लॉग्स, और मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करके रखो।